12 साल का बीमार बच्चा ठाकरे के खिलौने और मिठाइयों के साथ आने पर खुश हुआ। अपनी राजनीतिक आक्रमकता को पीछे छोड़ते हुए मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को अपना नरम पक्ष दिखाया और पिपरी चिंचवड़ के दापोड़ी इलाके में एक पार्टी कार्यकर्ता के घर पहुंचकर आश्चर्यचकित कर दिया। एक बार के लिए उनके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता नहीं थे और वे अपने साथ खिलौने और चॉकलेट का एक पैकेट लेकर आए थे। उनकी अचानक यात्रा से बीमार 12 वर्षीय राज देशपांडे, जो लंबे समय से मनसे कार्यकर्ता रहे विशाल देशपांडे का बेटा है, जो दापोड़ी इलाके में रहने वाला एक रिक्शा चालक भी है, खुश हो गए। राज देशपांडे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित है और राज ठाकरे के कट्टर अनुयायी रहे हैं। अब कुछ वर्षों से बेटा बार बार हमारी पार्टी अध्यक्ष से हाथ मिलाने का मौका मांग रहा है। मनसे नेता किशोर सिंधे और सज्जन चिखले के माध्यम से अपने बेटे की इच्छा उन तक पहुंचाने में कामयाब रहा। राज ठाकरे एक पार्टी कार्यक्रम और कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं की शादी में शामिल होने के लिए कुछ दिनों के लिए पुणे में थे। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि बुधवार को बीमार लड़के से मिलेंगे। मनसे के एक नेता ने कहा, दापोड़ी के रास्ते में राज ने 12 साल के बच्चे के लिए 10,000 रुपए की चॉकलेट और खिलौने खरीदने में 30 मिनट बताए। पहुंचते ही राज ठाकरे ने बच्चे को गले लगाया और उसका हालचाल पूछा। अभिभूत राज देशपांडे ने मनसे प्रमुख को धन्यवाद देने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। आपको व्यक्तिगत रूप से देखने की मेरी लंबे समय से इच्छा रही है। मैं आपको टीवी और सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहा हूँ। मुझसे मिलने के लिए धन्यवाद, लड़के ने मनसे नेता से कहा। लड़के ने उसे ये भी बताया कि लड़के के पिता ने उसका नाम राज ठाकरे के नाम पर रखा है। उन्होंने मनसे प्रमुख को एक कलम उपहार में दिया और उसे स्मृति चिन्ह के रूप में रखने को कहा। मी त्यांना म्हणलं तुम्ही खूप चांगलं वाटलं तुम्ही आले म्हणून, आणि त्यांनी मला खूप गिफ्ट दिले आणि मी पण त्यांना एक गिफ्ट दिले, तर मला खूप चांगलं वाटलं। मी त्यांना पेन दिलंय। काय बोलणं झालं नेमकं तुमचं? ते जास्त तर काय बोलले नाही, थोडंफार बोलले, जास्त काय नाही। डॉक्टरांनी आणि बोलवलंय मला, डॉक्टरांकडे बोलवलंय, फ्रायडेला बोलवलंय, फ्रायडेला बोलवलं त्यांनी जायचं तिथं। वडिलांकडे काय अपेक्षा व्यक्त केली होती राज ठाकरे साहेबांबद्दल? मला तर वाटलं होतं तिथं बोलवतील साहेब, पण इथे इथं आले काका। माझी राज साहेबांना भेटायचं होतं, बुलेट 350 हवे आणि एरोप्लेन मध्ये जायचं बस एवढंच आहे। मला तर काय वाटत नाही, मी त्यांच्या सगळ्या सभा बघतो आणि ते जिथं म्हणजे त्यांची न्यूज सगळ्या न्यूज मी बघतो। राज ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्याने तुला आवडेल का? हा खूप आवडेल। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।